नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर के आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर जिसका नाम है कच्छ, क्योंकि कहते हैं ना, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और इस समय हम जिस जगह पर खड़े हैं, ये एक ब्यूटीफुल लोकेशन है एंड आपको चारों तरफ ये जो कॉटेजेस दिखाई दे रही हैं, लोकल लैंग्वेज में इसको भूंगा कहते हैं। सो वी हैव गॉट वन भूंगा और आज रात हम यहीं पर रुकेंगे। दिस रिसॉर्ट इज़ नोन एज गेटवे टू रन। रन यहाँ से करीब 3-3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है। तो अभी हम रन ऑफ कच्छ की तरफ जा रहे हैं और आपको भी हम वो दिखाएंगे। तो चलिए लेट्स गो। कच्छ आने के लिए आपको जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दैट इज़ भुज, एंड भुज एक्चुअली द एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर इंडिया के सभी मेजर सिटीज से आपको फ्लाइट्स मिल सकती है। इसके अलावा भुज का जो रेल रूट है वो भी काफ़ी कन्वीनियंट और अफोर्डेबल है। यहाँ से कच्छ एक्सप्रेस आपको मिल सकती है जो मुंबई से भुज तक आती है, और इसके अलावा बाकी सिटीज़ के साथ भी बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। साथ ही साथ अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं कच्छ, तो हाईवे नंबर 8 कनेक्ट्स द सिटी विद नेबरिंग पार्ट्स, और इसके अलावा रोडवेज की ट्रांसपोर्ट बसेस भी आप अवेल कर सकते हैं। अभी हम लोग वाइट रन की तरफ जा रहे हैं। अभी BSF का यहाँ पर एक चेक पोस्ट था, उन्होंने परमिट हमारा चेक किया। ये परमिट हमने पहले ही निकलवा लिया था और काफ़ी अच्छा डिसीजन था, नहीं तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर क्यू थी, टाइम लगता और शायद हम फिर सनसेट मिस कर देते। और अभी यहाँ पर मुझे वो पैरा ग्लाइडिंग वगैरह भी दिखाई देने लगी है सामने। सो बहुत एक्साइटेड हूँ क्या कुछ नज़ारा आगे मुझे दिखने वाला है। बहुत सारी मूवीज़ में देखा था मैंने रन ऑफ कच्छ, और तब से ही लगता था, डेजर्ट तो बहुत देखा है इंडिया में भी और बाहर भी, लेकिन रन ऑफ कच्छ, वाइट डेजर्ट या वाइट रन देखने का जो एक्सपीरियंस होगा वो शायद डिफरेंट होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, सो फाइनली वी हैव रीच्ड रन ऑफ कच्छ, और एज यू कैन सी एवरीवेयर सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट। इधर देखो, जितनी दूर देखो सिर्फ सॉल्ट ही नज़र आ रहा है, थोड़ा स्टिल मडी, वाटर पूरी तरह से इवेपोरेट नहीं हुआ है। तो मेरे पाँव थोड़े थोड़े मिट्टी के अंदर जा रहे हैं। एज यू कैन सी प्लीज शो दिस पार्ट, थोड़ा ये मडी हो रहा है लेकिन ये पूरा सॉल्ट। ये सब कुछ, और अभी हम यहाँ पे हैं, थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करने वाले हैं और उसके बाद उस तरफ जाएंगे, वहाँ से सनसेट का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा हम देखने वाले हैं। सनसेट देखने के साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनका आप मज़ा ले सकते हैं।
कैमल राइड है और पैराग्लाइडिंग है और स्कूटर है, वो स्कूटर भी चला सकते हैं। इन सबका अपना एक अलग मज़ा है, बहुत लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, दूर दूर से आते हैं। एज यू कैन सी नाउ ये पैराग्लाइडिंग करते हुए, लेकिन लंबा क्यू था तो हमारा चांस नहीं आया एंड आई मिस दिस फन। लेकिन इसके बाद वहाँ पर जो स्कूटर भी चलाई जा रही थी बच्चों के द्वारा, वो उसको मैंने चलाया एंड बहुत मज़ा आया। लेकिन ये व्यू बहुत ही खूबसूरत, सनसेट, हालांकि जैसा कि हम आमतौर पर ऐसे एरियाज में देखते हैं तो होराइजन टच करते हुए हम नहीं देख पाए सन को, क्योंकि नीचे काफ़ी फॉग था। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कहीं दूर उड़ते हुए जा रही हूँ। इस जगह पर आकर के ये साइकिल या ई साइकिल चलाने का अपना मजा है। और ये रात के समय रन का ब्यूटीफुल नज़ारा, जो कि चांदनी रात में और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। ये सामने जो आपको एक खूबसूरत गेट दिखाई दे रहा है, ये है टेंट सिटी रन उत्सव। इसमें अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, और हमने वो मिस कर दिया था क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ आने का लास्ट मिनट पे बना था। बट यू डोंट फॉरगेट टू बुक इट ऑनलाइन। हम जिस रिसॉर्ट में रुके हुए थे वहाँ पर रात के समय एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जो जहाँ के लोकल फोक आर्टिस्ट हैं उनको बुला करके इन्होंने एक रंगारंग प्रोग्राम रखा था, उनका गीत संगीत और साथ ही साथ एज यू नो कि जो भी गुजरातीज होते हैं वो कभी भी इस तरह के म्यूजिक सुनते हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते और उनके कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। तो यहाँ पर उन सभी के साथ हमने भी थोड़ा सा डांस का मज़ा लिया और हम सभी ने गरबा किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सुर एक रिदम के साथ उनके पैर और हाथ चलते हैं। डिनर में जो खाने में इन्होंने जो भी हमें डिशेस प्रोवाइड की थी वो पूरी तरह से लोकल डेलिकेसीज थी, लोकल फूड, गुजराती फूड वो हमें खाने को दिया था। दिस इज़ द कॉटेज, और जिसको हम लोकल लैंग्वेज में भूंगा कहते हैं। वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही सुंदर और फुली एयर कंडीशन है, इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं हुई। रादर वी इंजॉयड स्टेइंग देयर इन द भूंगा। Once again we are going towards Run of Kutch. सुबह जा रहे हैं सनराइज देखने के लिए और बिल्कुल सन्नाटा है, चारों तरफ अंधेरा है। अभी टाइम हुआ इस समय 6:30 एंड 7 AM एक्सपेक्टेड है सनराइज। हमने सोचा थोड़ा टाइम भी पहुंच जाते हैं जिससे अच्छी तरह शूट कर पाए सनराइज। और ये जगह जो कल शाम को अच्छी खासी यहाँ चहल पहल थी, इस समय बिल्कुल डिजर्टेड लुक दे रही है। और हमारे पीछे 2-3 और गाड़ियाँ हैं, बस आगे पता नहीं, अभी थोड़ी देर में लोग पहुँचेंगे। अब हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट की तरफ जहाँ से हमको सनराइज देखना है और कवर करना है। और हम हालांकि सोच रहे थे कि हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं, वी आर द फर्स्ट वन टू रीच, बट एज यू कैन सी ऑलरेडी यहाँ पर लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली है। और ये ऊपर व्यू पॉइंट से नीचे पार्किंग का खूबसूरत नज़ारा, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, सनराइज का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल है कि हमें वो नज़ारा दिखाई दे क्योंकि काफ़ी बादल है। और अब देखिए ये काफ़ी ऊपर आ चुका है सूरज, बहुत खूबसूरत है पीछे का नज़ारा, अद्भुत। वापस लौटते हुए हमको एक ग्रुप मिला, लेडीज़ का ग्रुप, और बहुत सुंदर रंग बिरंगी साड़ियों में जब हमने इनको देखा तो आई कुडन्ट रेजिस्ट माई सेल्फ एंड आई जस्ट हैड अ फ्यू वर्ड विद देम। बहुत खूबसूरत, और ये पूरा ग्रुप चेन्नई से आया था रन ऑफ कच्छ घूमने के लिए। इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ख़ास तौर से इस जगह पर ये जो ब्यूटीफुल शिफॉन साड़ीज़ में इनकी सुंदरता थी वो देखने लायक थी।
और अब हम लोग जा रहे हैं व्हाइट रन तक। और कल भी हमने शाम को देखा था, लेकिन उधर थोड़ा सा मडी था एंड पीपल आर सेइंग दिस साइड इज लिटिल बेटर। और ऊंट का नाम है सलमान खान और ये हमारे साथ जो है इनका नाम है ऊंट वाले भैया, जो बच्चा है एक छोटा सा उसका नाम है एहसान। एहसान इधर देखो, पीछे हाथ हिलाओ। ये देखिए, ये सॉल्ट क्रिस्टल्स बाकायदा, ये नमक इतना आश्चर्यजनक है कि पूरे दूर तक, मतलब ये हजारों किलोमीटर तक का शायद एरिया होगा। यहाँ पे सब जगह ऐसे ही सॉल्ट फैला हुआ है। अब हमें वो बात समझ में आ रही है कि क्यों लोग कहते हैं कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो आप भी कच्छ अवश्य एक बार घूमें और कम से कम 2 से 3 दिन का प्रोग्राम बना करके आइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर करिए जैसे हम कर रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है रन का, ये तो अपने आप में ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है। ग्रेट रन के साथ कच्छ का हमारा ये सफर यहीं पर खत्म होता है। कच्छ हमने आपको 2 एपिसोड्स में दिखाया और मैं उम्मीद करती हूँ ये दोनों एपिसोड्स आपको जरूर पसंद आए होंगे। गुजरात की एक और खूबसूरत और एक्साइटिंग लोकेशन पर मैं आपसे फिर मिलूंगी। दिस इज योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर।